तेरे लिए नहीं है कुछ भी। हेलो, आई थिंक ये टाइम है आप लोगों का हमारे एक नए सदस्य से मिलने का। जी हाँ, अभी सो रही है ये, ज्यादा एक्टिव नहीं है, अभी खेल रही थी मेरे साथ, अभी अभी सोई है। एनीवेज, इसका नाम है ब्लेकी। आप लोगों को लग रहा होगा शुभम का पेट हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ऑनेस्टली बताऊं, हम लोगों ने भी ये पेट एक्सपेक्ट नहीं किया था, ये अनएक्सपेक्टेड पेट है हमारे लिए। मैं एक्चुअल में एक कैट खरीदना चाहता था। जिन लोगों को नहीं पता, मैं कैट पर्सन हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं डॉग्स से नफरत करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कैट्स के फेवर में ज़्यादा हूँ मैं। मेरी पूरी ज़िंदगी में डॉग्स से मेरी कुछ खास दोस्ती बन नहीं पाई, इसीलिए मैं मोस्टली कैट्स प्रेफर करता हूँ। मेरे को एक पेट पालना था एंड मैं कैट लेना चाहता था। मैं इवन सर्च भी कर रहा था इधर उधर। मेरे माइंड में स्कॉटिश फोल्ड थी, लेकिन वो हमें मिल नहीं पाई क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। मैंने जिन पेट शॉप वालों से बात करी, वो भी नहीं ढूंढ पाए मेरे लिए। तो अब बात करते हैं, ये मैडम कैसे मिली हमें। तो आज है 5th ऑफ जनवरी, ये हमें 3rd जनवरी को मिली थी। तो 2 दिन हो गए, और जितनी बातों से मेरे को पता चला है, एक बच्चे के साथ ये हमारे पास वाले एरिया से हमारे एरिया में आ गई थी। और उसके बाद सारे डॉग्स वगैरह, आप लोगों को पता है डॉग्स कैसे होते हैं एक दूसरे के लिए, वो डॉग्स इसके पीछे पड़ गए। ये बेचारी इधर उधर छुपती हुई फिर रही थी। सुबह तो हमने भी इसकी चीखें सुनी थी, बट काफ़ी डिस्टेंस में थी, तो कुछ पता नहीं था क्या हो रहा है क्या नहीं। और करीब 3-4 घंटे के बाद डॉगीज़ का तो यही है, भौंकते रहते हैं। तो उनका भौंकना बंद हुआ, और तब हमें पता चला कि हमारा गेट खुला हुआ था, और ये मैडम हमारे घर में आके डस्टबिन के पास आके बैठ गई। और उसके आगे क्या हुआ वो जानने के लिए आप लोगों को पास्ट में जाना पड़ेगा, 3rd जनवरी को। परी छेड़ मत, ये छोटा बॉय हमारे यहाँ पे आके बैठ गया। ओके सर, आप कहाँ से आए हो? क्या इसी को कहते हैं फेट? क्या ये है मेरा नया पेट? है भाई, पाल ले इसे, है ना, पाल लेते हैं। और क्या भाई, उसे किसी घर की जरूरत है, हमें पेट की जरूरत है। मेरे को तो पता ही नहीं था ये यहाँ पे ऐसे बैठा हुआ है। मैंने लाया, अपने आप आया है, वो हमारा घर चूज करा है उसने। काटेगा तो नहीं है, मेरे को तो पता भी नहीं है डॉगीज को कैसे ट्रीट करते हैं। डर लग रहा है इसे, वही तो डर लग रहा है, पूरा गीला हो रहा है। काटेगा वो, पहले ठंड में यार इसे साफ करो। काट रहा है, काट रहा हो। अरे ऐसे मारो मत ना, हैवी है। हाँ, और खाता पीता घर का है, पता नहीं कहाँ का है। भाई हमने इस पे अभी तो कपड़ा वगैरह डाल दिया है, इसे ठंड लग रही है। मैं चाहता हूँ इसे उठा के अंदर ले जाना, लेकिन ये काट रहा है और मुझे लगता है कुत्तों से बहुत ज़्यादा डर। बेशक ये पिल्ला है, पर कटवाना मैं फिर भी नहीं चाहता अपने आप को। कोशिश कर चुका हूँ 2-3 बार, एक बार और करके देख लेते हैं। मैं इसे अंदर ले जाना चाहता हूँ। पता नहीं कितने महीने का है, 3-4 महीने का होगा। पापा ने कैसे इसको एक टांग पे उठा लिया, तो उठ गया उठ गया उठ गया, ये उठ गया ये, चलो। बस इसे थोड़ा सा हीटर के सामने रख देते हैं, है नहीं? अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं इसे फुल कवर करना चाहता हूँ। रुक, खड़ा मत हो गधेड़े। गधेड़े? अरे बैठ गए तो बड़ा क्यूट लग रहा है ये तो। इसे उठा के ना बेड पे रख देते हैं, जमीन पे नहीं। रुक भैया, मैं हीटर इसके पास रखना चाहता हूँ क्योंकि इसे बहुत ठंड लग रही है, अभी भी कपकपा रहा है ये। तो क्या, रुक, ऐसा टच मत कर, कुछ नहीं पता इसका अभी, मेरे को डर लगता है। और मैं चाहता हूँ कि अभी इसे समझ लें थोड़ा सा, ये हमें समझ लें, उसके बाद हम इसे टच करें, कहीं पता चले काट लेना। क्योंकि इसे काटने की कोशिश कर रही थी, ऑब्वियसली अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, ये अभी हमें जानता नहीं है। और मेरी मम्मी अभी ना सो रही हैं, मेरी मम्मी को नफरत है डॉगीज़ और पेट्स से स्पेशली, लेकिन मैं इसे पालना चाहता हूँ अब ये, क्योंकि इसे कहते हैं डेस्टिनी, फेट ने, किस्मत ने हमें मिलाया है, ये हमारे पास खुद चल के आया है, तो इसे मैं ज़रूर प्रोटेक्ट करेंगे, है ना भाई? हाँ, है ना, जरूर करेंगे। इसकी आंखें भी खुल गई हैं, हमें देख रहा है। कौन है? कुछ नहीं होता है डॉगी। ये पता है कहाँ से आया? हाँ तो ये ठंड लग रही है ना, उसे मर जाएगा वो। मतलब बचाऊं ना उसे? ये अपने आप आके यहाँ बैठ गया था डस्टबिन में, डस्टबिन के पास। वो कुत्ते उत्ते काट रहे होंगे इसे, देखो कप कप आ रहा है ना, दिख रहा है, हिल रहा है। नीचे बैठाना बेटा, नीचे ठंड नहीं हो रही, मतलब कुछ भी नीचे कुछ बिछा देना। हाँ हाँ, मैंने वही किया था अभी, ये इसे ज्यादा ठंड लग रही है इसलिए यहाँ बैठा रखा है, हीटर चला रखा है। अरे क्या चाहती हो मेरे से? मैंने पहले कुत्ते थोड़ी पाले हैं भाई। ठीक है तुम जाओ, मैं अपने आप संभाल लूंगा, जाओ।
जाओ चलो जाओ, वो पॉट नहीं कर रहा वो पॉटी, जाओ अब उसे कोसो मत, अभी वो बेचारा जीने के लिए मर रहा, चलो जाओ चलो चलो। हाँ नहीं तो, अरे भाई उसे जीन दो थोड़ा सा, वो बेचारा यहाँ मौत और जिंदगी के बीच में झूल रहा है, ऐसा तो नहीं है। खैर ये सिर्फ ठंड लग रही है, अभी ये गर्म हो जाएगा तो नॉर्मल हो जाएगा। ये बेचारा ये कहेगा ये मेरे को आराम भी नहीं करने दे रहे, मैं थोड़ा सा बैठता हूँ जब भी मुझे उठाने लग जाते हैं। बस अभी ये फटाफट गर्म हो जाएगा थोड़ी देर में, उसके बाद ये दोबारा उठने बैठने लगेगा। अभी चाचा ने तो साफ वाफ कर दिया था, मुझे तो डर लग रहा था काट वाट की, मैंने उठाने की कोशिश करी थी तो काट रहा था, फिर अभी वहाँ पे जब ये कपड़े में लिपट गया इसे लगा होगा हाँ भाई ये हेल्प कर रहे हैं मेरी, फिर मैं उठा के इसे अंदर ही ले आया। ये नाली वाली में गिरा होगा ये जरूर, सारा गीला हो रखा था। तेरे को कैसे पता? नाली में नहीं गिर सकता तेरे को, क्यों नहीं गिर सकता, क्यों नहीं गिर सकता? बारिश हो रही थी ना इसलिए। हाँ, अरे हाँ इनने कितना अच्छा दिमाग लगाया, बारिश में भीगा ये। इसे हीटर के सामने लेटे 15 मिनट, आधा घंटा हो गया, अभी थोड़ा नॉर्मल सा हो गया, इतना कपकपा नहीं रहा है। इसके लिए दूध लाया गया है, अभी देखो ये पीता है या नहीं, पिलाना ही पड़ेगा ताकि अंदर से भी शरीर गर्म हो सके, ठंड लग रखी है। इसे अभी भी थोड़ा थोड़ा तो कपकपा ही रहा है, पर पहले से बेटर है कंडीशन। सो गया भाई, अभी तो ये दूध हमने साइड में रख दिया है, ये उठेगा देख के अपने आप पिएगा तो ठीक है, वरना फिर कोशिश करेंगे एक बार। फिलहाल तो कोई रिस्पॉन्स नहीं, अभी तो ये बिल्कुल सो गया, अभी तक तो आंख खुली हुई थी, अभी से अचानक से नींद आ गई। A few moments later. अब ये थोड़ा सा नॉर्मल हो गया है, हमारे चाचा इसे नहलाने वाले हैं। ये थोड़े एक्सपर्ट हैं डॉग्स में, तो इन्हीं को संभालने के लिए दिया है मैंने। डर रहा है पर ये अभी भी ना। नाम भी रख दिया तूने इसका, घटिया सा नाम ये शेरू, तो देसी इतना पुराना बता पहले रखते थे। हाँ वो तो शेरू ही ठीक था फिर। कति लुटा दिया तुमने तो, थोड़ा प्यार से करो। बदबू कितनी आ रही है इसमें से, वो अपनी नाली में गिरा होगा, ये जरूर नाली में गिरा होगा। मैं तो सही में ऐसे ना हिला पाता भाई, सही है। तुम ही आके हिलाते हो, मेरे बस की तो ना ही है सब करना भाई। तो चमक गया रे। वो बेचारा परेशान हो चुका है। अब देखो कैसे चमक गया। अब देखिए इसकी चमक, देखिए अब तुम। अच्छा लग रहा है थोड़ा भाई, मजे अब तो ये काफी रिलैक्स हो रहा होगा। वो लग रहा होगा ना जैसे वो कीचड़ वीचड़ चिपक जाती है ना नहाने के बाद, इंसान में कितना फर्क आ जाए। तो इसे नहला के हमने चमका तो दिया, लेकिन अभी इसे वेट के पास लेके जा रहे हैं क्योंकि अभी भी कांप रहा है थोड़ा सा, तो एक बार कंफर्म कर लें कि ये ठीक है, इसकी तबीयत भी खराब ना हो। उनसे थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी ले आएंगे और इसके लिए सामान भी ले आएंगे, जो वो नॉर्मल सामान होता है बाउल वगैरह। ये सारे बाड़क तैयार बैठे हैं वहाँ जाने के लिए। ये इतना ब्लैक है कि कैमरे में दिख भी नहीं रहा, आंखें दिख रही हैं इसकी देखना, पूरा ब्लैक है ये है भाई। इसीलिए इसका नाम हम ब्लैक रखने वाले हैं, क्योंकि ये ब्लैक है और ब्लैक थोड़ा कूल साउंड करता है, मेरी तरह कूल बनेगा फिर ये। हाँ एवेंचुअली ये तो अपना बूबू ढक के पड़ा है बिल्कुल, इसे शर्म आ रही है। लेकिन अब ये काफ़ी काम हो गया है, लाइक इसे कोई परवाह नहीं, अभी इसे पता है भाई हम इसे सेफ रख रहे हैं। इसके वाइट बाल हैं सही में, इसके यहाँ पे भी हैं। अब तो लग भी नहीं रहा कि इसे कोई बीमारी है, पर फिर भी अब यहाँ पे आए हैं तो डॉक्टर को दिखाई देते हैं। हम तो मेल सोच रहे थे, ब्लैक नाम रखा था, फीमेल है, इसका नाम अब ब्लैक ही रखेंगे। टेम्परेचर वगैरह सब नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है, कुछ नहीं है भाई। हम मार्केट में हंडन लग रहे हैं अपनी इस डॉगी को लेके, हम जा रहे हैं वहाँ पे पेट शॉप ढूंढ रहे हैं, यहीं आसपास बताई थी, मिल ही नहीं रही है। ये मैप कभी कभार इतना धोखा दे देता है, चौकी बड़ी मार्केट में घुसा दिया पर पेट शॉप नहीं मिल रही हमें। खड़ी नहीं होगी,
ये बड़ी वो है आलसी सी तुम्हारी तरह। आ गए हम लोग घर पे, तो हम लोग ये खाना वगैरह लेके आ गए, इसका बेड ले आए। तो अभी हम इसे छत पे लेके आए हैं थोड़ा सा टहलाने के लिए, क्योंकि इसने दोपहर से कोई शुशू वगैरह भी नहीं किया है। हम नहीं चाहते ये नए बेड पे शुशू वगैरह कर दे, लेकिन अभी ये डर रही है। फिर डॉगीज़ की भी आवाज़ आ रही है, सुबह इसने बहुत टॉर्चर झेला है। देखा, अभी ये थोड़ा सा कंफर्टेबल होने की कोशिश कर रही है। एक चीज़ और, इसका हमें डॉक्टर से पता चला ये फीमेल है, इसीलिए इसका नाम ब्लेक से अब ब्लेकी हो गया है। हमें पता ही नहीं था, अब पता कैसे चले, पहले कभी कोई डॉग पाला नहीं और हमें लग रहा था अभी ये इसके ऑर्गन्स जो हैं वो अभी इम्प्रूव होंगे, और तो हम कंफ्यूज थे, लेकिन डॉक्टर्स ने बोला फीमेल है ये, इसे फैमिली का पार्ट बनने में टाइम लगेगा थोड़ा सा। और पुचकारते रहो, इसे पता चले इसकी नई फैमिली है ये। मे बी इसे भूख लग रही है, कुछ नहीं पता, अभी तो ये बहुत सुस्त है। तो ये जुगाड़ करा है हमने आज फर्स्ट नाइट का, इसके नीचे पॉलिथीन है और उसके नीचे गद्दा, वो बढ़िया वाला। हम नहीं चाहते ना ये सुशु वगैरह करके इसे गंदा कर दे, इसीलिए कवर कर रहे हैं न्यूज़पेपर वगैरह जो है। चेयर पे सही मजे ले रही है। जहाँ भी बिठाओ वहीं सोने को हो जाती है, अभी डर रही है थोड़ा थोड़ा, कोई भी हाथ लगाता है ना इसे। चलो अभी इसे यहाँ पे बिठा देते हैं, और क्या, यहाँ पे करके मेरे बगल में सो जाएगी ये। गुड नाइट, स्लीप टाइट। आंखें बंद होने लगी, अब ये रात को परेशान ना करे बस। रात के 2 बज रहे हैं और इस मैडम को पानी पीना है, अभी पिलाया, अभी देखते हैं मे बी और पीना हो। और पीना है। इसे प्यास लग रही थी। मुझे नींद तो आ रही है बट मैं सो नहीं पा रहा फॉर सम रीज़न, इसका ध्यान रखने में बिजी हूँ एक तरह से। इसकी थोड़ी सी भी आवाज़ होती है मेरी आँख खुल जाती है। द नेक्स्ट मॉर्निंग, यह है मॉर्निंग और ये मेम साहब पहली बार खेल रही है, या तो इस काउच को फाड़ने की कोशिश कर रही है या फिर अपने इस टॉय के साथ पहली बार खेल रही है। कल रात से तो कोई रिएक्शन वगैरह नहीं था, फिर भी थोड़ा नॉर्मल होती जा रही है। अभी इसके लिए मील प्रिपेयर कर रहा हूँ, लाइक एक्सक्रीशन प्रोसेस नहीं करी अभी तक, ना शूशू ना पॉटी कुछ भी नहीं। अभी इसे ऊपर लेके जाऊँगा, थोड़ा सा टहलेंगे, अपने पैरों को खाने लग रही है बस, शायद खुजली हो रही है क्योंकि टिक्स वगैरह हैं इसके, बताया था। ला रहा हूँ। ये धीरे धीरे घुलने मिलने लगी है भाई, पहले तो ये बहुत ज़्यादा डर रही थी, अब एटलीस्ट चल रही है, इधर उधर घूम रही है, वरना तो बेड ही नहीं छोड़ा इसने, इतनी आलसी है ये, सोने ही लग रही थी। अब इसे ज़बरदस्ती ऊपर लाए हैं तो घूम रही है थोड़ा सा। बाकी इसने बेड पे भी शूशू वगैरह नहीं करा, पूरा एक दिन निकाल दिया ऐसे ही, शायद इसने रोक रखा था, क्योंकि जब इसे छत पे लाए तो सबसे पहले इसने शूशू करा है, तो आई थिंक ये थोड़ी तो समझदार है, या फिर इसे इतना पता है कि अगर ये ऐसे ही शूशू वगैरह करेगी तो डांट पड़ेगी इसे। ये तो भाई अच्छी है ना। प्लेसी नहीं, ब्लैकी। ब्लैकी खोले कितनी है, कैमरे में भी दिखाई नहीं दे रही। वही तो ना, आई हुई ये भी तो है, बैकग्राउंड भी तो ऐसा ही। आजा तेरे को जैकेट ना पहनाऊं भाई, हां भाई गुचड़ू आजा, देख 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 देख, बिल्कुल लिवांती कट काटने को हो जाएगी, खड़ी हो ले खड़ी, देखो चले करवाऊं कभी। कुछ नहीं कर रहे हम, तेरे को ड्रेस पहनानी है। मैं तो पड़ गई। पड़ मत, खड़ी हो, देख 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 देख, ओ पुचु 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 पुचु, खड़ी हो, इधर आ, बताऊं अभी। पिटाई कर दूंगा। से तो बड़ी आएगी वो, देख 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 देख, बिल्कुल नहीं मानती, इधर आ। रुक जा भाई, देख 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 देख, खा जा इसे, रुक जा भाई, तू हेल्प करवा इसे, ऐसे नहीं करेगी। वेलकम बैक। तो जी हाँ, ये सब हुआ और अभी हमारे साथ है। मेरे को पेट्स के साथ कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ये मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैं एक पेट पालने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इनके रिएक्शंस और ये सब समझने में मेरे को टाइम लग रहा है। मेरी फर्स्ट नाइट तो बहुत ज़्यादा टफ गई थी मेरे लिए, बिकॉज मैं सो ही नहीं पाया था, एक्साइटमेंट फिर टेंशन की ये बीच बीच में आवाज़ निकालती थी, मेरे को पता नहीं था वो सोने वाली आवाज़ है या वो मेरे को बुलाने की कोशिश कर रही है, तो मैं सो ही नहीं पाया था। कुल 2 घंटे की नींद मिली थी मेरे को उस दिन। ये बहुत ज़्यादा आलसी है और बहुत ज़्यादा खाती है। इसका एक सबसे बड़ा डर है, वो है जब मैं इसे उठाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जब भी मैं इसके कंधे पे हाथ डालता हूँ ये डर जाती है, ऐसे ऐसे करती है, मेरे हाथ को काटने की कोशिश करती है। अगर इसे टॉयलेट आ भी रहा होता है ना, ये
वो आवाज निकालने लग जाती है एंड बेड से नीचे देखने लग जाती है, फिर कूदने की कोशिश करती है। तो मैं इसे कूदा के नीचे या तो ये यहाँ पे कर देती है या छत पे ले जाना पड़ता है इसे। ये चीज़ बहुत अच्छी बात है। अब टेंशन की बात ये है कि इसने पॉटी नहीं करी, दो दिन हो गए, 5 जनवरी आज, 3 जनवरी की सुबह से अभी तक इसने कोई पॉटी नहीं करी। तो प्रोबेबली इसके पेट में कीड़े हैं जो सारा खाना खा रहे हैं। मुझे पता है तुम में से कई लोगों से रुका नहीं जाएगा और वो अपने अपने नाम सजेस्ट करने लगेंगे, लेकिन इसका नाम ब्लेकी हमने तय कर लिया है। सारे फैमिली वाले खुश हैं मेरी मम्मी को छोड़ के, उन्हें पेट्स पसंद नहीं है। वो पूरा पूरा खिलाफ है इस चीज़ के। तो इसे पालने की पूरी जिम्मेदारी अब मेरे पे है। मैं अपने कजिन्स को बुला लेता हूँ कभी कभार, और हिमांशी आ जाती है थोड़ी देर के लिए, कभी कभार चाची आके देख जाती हैं, वरना जब मैं इसे छत पे ले जाता हूँ तो अम्मा जी भी आके बैठ जाती हैं और छत पे तो काफ़ी खेलती है। ये देखो अब ये प्यार से सो रही है, अपने इन गुड्डों गुड्डों के साथ खेलती रहती है। ये गुड्डे ला के दे रखे हैं, इनके बाल बाल नोचती रहती है। अभी कल हम लोग इसे लेके जाएंगे, वो वैक्सीनेशन वगैरह कराने डॉक्टर ने सजेस्ट किया है। अब मेरे को तो पता नहीं कौन कौन से इंजेक्शन लगते हैं, तो कल जब जाएंगे, जब सारी नॉलेज लाने की कोशिश करेंगे अपने साथ कि कैसे ट्रीट करना है, कब क्या करना है, जितना हमें बताया गया वो मैं कर रहा हूँ। मैं भी कह देता हूँ ये बात, वैसे तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि ये कम्फर्टेबल हो जाए और हम इसे रख सकें अच्छी तरह, लेकिन जस्ट इन केस अगर ये कम्फर्टेबल नहीं हो पाती या इसे ये घर सूट नहीं करता, क्योंकि डॉग्स का भी होता है, अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है, और जिस हिसाब से हम लोग रहते हैं, हमारी लाइफस्टाइल है, अगर ये उसे सूट नहीं करती तो हम इसके लिए कोई घर ढूंढ लेंगे, वरना मैं मोस्टली कोशिश कर रहा हूँ कि ये हमारे साथ ही रहे। मैंने वीडियोज़ में डॉगीज़ को भी देखा है, कैट्स को भी देखा है, लेकिन अब मैं डॉगी को पाल रहा हूँ तो वो एक्सपीरियंस यू नो डिफरेंट हो जाता है बहुत। तो मैं कह नहीं सकता कि कैट को पालना कैसा एक्सपीरियंस होता होगा। जो एक प्रॉब्लम मेरे माइंड में है वो ये हो सकती है इसके लिए कि ये जगह बहुत छोटी है, क्योंकि मेरे को अपने कमरे तक ही सीमित रखना पड़ेगा इसे, वरना छत है बस हमारे पास। क्योंकि मैं बाहर ले जाऊँगा तो यू नो फैमिली वालों का मूड ख़राब हो जाएगा, वो वैसे ही अगेंस्ट है। तो एनीवेज जो मुझे ठीक लगा मैंने किया, और या ये है हमारा एक न्यू पेट, अब मैं इसे पालने वाला हूँ और बीच बीच में ये वीडियोस में भी रहेगी। अगर मैं इसके शोल्डर पे हाथ रखता हूँ ना, बहुत डर जाती है कि ये फिर से उठाने वाला है, पता नहीं क्या करेगा, तो वही चीज़ है। बाकी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं फुल हाथ फेरूँ, इसके मुंह में हाथ रख दूँ। आज तो ये फिर भी काफ़ी एक्टिव है, आई थिंक धीरे धीरे ये एडजस्ट हो रही है तो एक्टिव होती जा रही है, वरना तो बहुत ज़्यादा आलसी थी। ये खड़ी भी नहीं होती बेड पे अच्छी तरह, वो ऐसे खड़ी करो गिर जाती है ऐसे करके। ये जैकेट पहनाओ जैकेट उतार देती है, बड़ी शैतान सी है वैसे तो। इसके लिए टॉय वगैरह भी ख़रीदा था, ये वाला आवाज़ करता है ये, पर इसके साथ भी इतना खेलती नहीं है ये। इससे स्पेशली ये गुड्डे पसंद है या फिर ऐसी चीज़ें जो ये चबा सके। इस वाले कार्टून पे यहाँ पे रिबन था, वो पाड़ के फेंक दिया इसने। ये देखो ये रहा वो। ये जो डॉगी की आवाज़ आ रही है ना पीछे, हमारे यहाँ पे बहुत सारे डॉगीज़ हैं बाहर, और ये मेरे विंडो के सामने ही भौंकते रहते हैं बहुत ज़्यादा परेशान। रसाई में रात को सोना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो फर्स्ट नाइट तो इसे कोई एक्सपीरियंस नहीं था ऐसा, तो जब भी कोई ट्रक गुजरता था ये डर जाती थी, ऐसे देखने लग जाती थी ऐसे करके, और कोई डॉगी अचानक से भौंकने लग गया तो बहुत तेज़ आवाज़ आती है, उसमें भी डर जाती थी ये। तो इसीलिए फर्स्ट नाइट जो थी ना वो बहुत टफ गई है मेरे लिए, बहुत लंबी नाइट थी वो। मुझे बार बार इसके सर पे हाथ रख के ऐसे फेरना पड़ता था, तब जाके सोती थी ये दोबारा। मैं एक्साइटेड हूँ ये पेट एक्सपीरियंस लेने के लिए, और फैमिली में और कुछ मेम्बर्स हैं, लाइक चाची कज़न हिमांशी हो गई, वो भी हेल्प करा रहे हैं मेरी इसे पालने में, तो थोड़ा ईजी हो जाता है। अभी शुरुआती दिनों में तो मैं दूसरी चीज़ों पे फोकस भी नहीं कर पा रहा, जिम भी नहीं जा पाया, क्योंकि इसका ध्यान ज़्यादा रखना पड़ रहा है मेरे को। एनीवेज अपना काम तो कंटिन्यू रखना ही है मुझे, एंड आई एम प्रिटी श्योर ही एडजस्ट हो जाएगी जैसे जैसे धीरे धीरे हो रही है। और इसी के साथ टाइम है मेरे जाने का, आप लोग इसे फ्यूचर ब्लॉग्स में देखते ही रहोगे तो आप लोगों को अपडेट ऑटोमेटिकली मिलती ही रहेगी। अगर आपके घर में डॉग है और आपको डॉग्स का एक्सपीरियंस है, स्पेशली फीमेल पपी का, तो ज़रा सजेशंस छोड़ दो कॉमेंट्स में, मेरे को हेल्प मिलेगी थोड़ी बहुत। और मैं चला।